सोचने चालू करें तो सर पहला पॉइंट बताया था कि हमें अपने सिस्टम में कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं। जैसे सपोज डैट हमें कैलकुलेटर ओपन करना हो या हमको कैलकुलेट करना से को जोड़ घटा करना होगा तो उसके लिए कैलकुलेटर ओपन करने के लिए सबसे पहले कहाँ जाते हैं, स्टार्ट बटन। और स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कहाँ मिलता है, ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ मिलता है एसेसरीज, है ना, कैमरा एसेसरी मिरर दिखाई दे रहा सभी को। एसेसरी में जाने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कैलकुलेटर। जहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे क्या करेंगे, माउस के लिए बटन जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी कैलकुलेटर खुला। तो ये सिंपल है, हमको साइन थीटा कॉस थीटा मैंने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर बना निकालना है तो उसको लिए व्यू में जाएंगे, साइंटिफिक कर लेंगे। तो देखो सही आ गया, फिर यहाँ व्यू में जाएंगे, हम यहाँ निकाल देंगे प्रोग्रामर, तो प्रोग्रामर जैसा आ जाएगा, है ना। मैंने हम कैलकुलेटर को लूप चेंज करना चाहते हैं तो आप व्यू से जाके हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल एक रहेगा, है ना। शॉर्टकट की प्रयोग करना तो यहाँ से क्या करेंगे, अल्ट टू करेंगे, वन करेंगे आप पर, तो कि उसको बाद उसको व्यू में जाएंगे, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, टैपिंग कर लिए। ये शॉर्टकट की का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हमें क्लिक किए स्टैंड अप तब हुआ। हम ये अभी मैं सब प्रोग्रामर है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट दबा के वन करेंगे तो क्या होगा, आपको वन ले लेगा आप एक्शन नंबर निवार डायरेक्टर नंबर है ना सब बाई नंबर, ये सब फिर काम करना चालू कर दो। तो इस मैंने कैलकुलेटर ऐसे हम खोलते हैं, कैलकुलेटर मैंने क्या खोलता है, सिंपल खोलता है। तो हम इसमें मॉडिफिकेशन मैंने लेना चाहते हैं तो उसके लिए कहाँ चेंज करेंगे, यूज है ना। जैसे निकालना है 450, है ना, क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, कितना करेंगे 100 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू, है ना, इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप ये चीज को कीबोर्ड से भी आ लिख सकते हैं, है ना, कैलकुलेटर यूज करने के लिए प्लस इतना, है ना। कैंसिल करना तो कैंसिल यहाँ से करते हैं। दूसरा कंडीशन देखो यहाँ पर कि हम दूसरा बताए थे कि यहाँ की कैरेक्टर मैप कैसे ओपन करता है, कैरेक्टर मैप होता है कैसे। सपोज डेट मानो कि हम अभी पैकेज बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे मानो कि यहाँ पर कोई चीज का एक्सेल फाइल खोले, अब यहाँ पर कोई काम करते बीच में हमें सैंपल लेना, जिस सपोर्ट डेट हमको बोल दिया जाए कि यहाँ पे परसेंटेज का सैंपल लेना है, और परसेंटेज का सैंपल कीबोर्ड में न है तो उसको लिए कैसे लेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट में, ऑल प्रोग्राम जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और सिस्टम टूल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सिस्टम टूल, बंद करो कॉपी, सिस्टम टूल में जाएंगे और इसके अंदर देखेंगे कि कैरेक्टर मैप लिखा हुआ है। कैरेक्टर मैप पर जैसे क्लिक करेंगे अब इसमें हमें जो सैंपल लेना होगा ओपन होगा, अब इसमें से कौन सा सैंपल लेना है, तो आपको परसेंटेज लेना, तो परसेंटेज कहाँ है देखेंगे, खोजेंगे क्या करके, अब क्या परसेंटेज है इसमें कि नहीं है, मानो कोई एग्जांपल में यही सैंपल लेना चाहते हैं, ठीक है ना, क्लिक किए सिलेक्ट कॉपी, कहाँ ले जाना है, कॉपी करने के बाद इस जगह पर ले जाना है, कर्सर ले जाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट, आ गया सर बोल। तो समझ में आ गया किस तरह से लिए, हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, उस जगह पर हमें कोई भी सैंपल लेना, वह सैंपल कीबोर्ड में ना हो, जैसे कीबोर्ड में चलो यहाँ पर परसेंटेज हम कीबोर्ड में है तो यहाँ से परसेंटेज हम ले लिए कि बट ये परसेंट ये सैंपल तो कीबोर्ड में नहीं होता है, तो उस कंडीशन से हम कैसे लेंगे, तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कैरेक्टर मैप क्लिक करेंगे, इसमें जो भी सैंपल तुमको लेना है, जैसे अब सैंपल चेंज करना अब यहाँ पर त्याग क्लिक करेंगे, बहुत सारे सैंपल रहा देखो परसेंटेज का गया है, यहाँ से बहुत सा सैंपल हमको लेना है, सपोर्ट एट द रेट लिए, तो ये पहले वाला सैंपल को क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, कॉपी करेंगे, जहाँ भी ले जाना कर्सर को ले जाके पेस्ट पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ऑटोमेटिक सैंपल इंसर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपकी कंप्यूटर में कोई भी सैंपल जो कीबोर्ड में ना हो, वो सैंपल कोई भी कैरेक्टर हिंदी में कुछ टाइप कर रहे हैं, वो भी सैंपल नहीं है, तो सब सैंपल कहाँ से लेंगे, कैरेक्टर मैप में जाएंगे। हिंदी में लेने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पूर्ति देव होता है, अलग एक भाषा होता है, ठीक है ना, दूसरा दिखाते हैं पूर्ति देव का, Thank you.
जब भी लैंग्वेज इंस्टॉल होगा तभी काम करेगा। ये सब लैंग्वेज होता है, जैसे मोबाइल में कैसे हिंदी लैंग्वेज करते हो, तो इसमें एप्लीकेशन क्या करना पता, इंस्टॉल करोगे तभी यहाँ पे सब सैम्बू तुम्हारा करेगा। कुर्ती जब चढ़ रहा है ना, ये कुर्ती जब लिख रहा है ना, कुर्ती जब लैंग्वेज, ये लैंग्वेज कंप्यूटर में रहेगा तभी तुम हिंदी या इंग्लिश लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टर मैप खोलते हैं। कैरेक्टर मैप यहाँ से भी खोल सकते हैं, लिख देंगे कैरेक्टर CHAR, सर्च किए, कैरेक्टर मैप खुल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कुर्ती देव लैंग्वेज चूज करेंगे। देखो FG कुर्ती देव आया, अभी नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं था। अब कुर्ती देव लिए, अब देखो हिंदी में सब सैम्बुल चलाया। अब यहाँ से जो भी सैम्बुल लेना चाहते हैं वहां से सैम्बुल ले सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी हिंदी का भाषा का अब यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से तुम इस तरह से ले लिया रू, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, कॉपी भी कर लिए कि जब यहाँ पे कंप्यूटर में ले जाएंगे तो नहीं आएगा, गलत आएगा। गलत कैसे आएगा, देखो जैसे पेस्ट करेंगे तो ऐसा सैम्बुल आया, तो क्योंकि मेरा वहां से हिंदी लैंग्वेज ली है, यहाँ पे हिंदी सेटिंग नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे हिंदी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। आप देखो यहाँ भी हिंदी करने पड़ेगा तुम्हें, कॉपी दे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट करेंगे तो दोनों लिखा रहा है, क्योंकि जब अब बताओ का वहां से हिंदी सीख क्या है, यहाँ पे हिंदी बोले कोई समझेगा नहीं समझेगा, तो जहाँ पे हिंदी जहाँ से हिंदी लिए तो वहां भी हिंदी होना चाहिए, तो इस जगह पे ला रहा था यहाँ भी हिंदी लैंग्वेज सेटिंग होगा तभी हिंदी यहाँ लिखाएगा, है ना। तो जब भी हिंदी में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुर्ती देव एक लैंग्वेज होता है वहां से टाइप करते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी कैरेक्टर मैप का यूज करते हैं। देखा ना, हमको बहुत से लैंग्वेज है, जितना भी दुनिया में लैंग्वेज है ना सभी लैंग्वेज इसके अंदर है। बनावल किया कोई लैंग्वेज से बन में किया कुर्ती देव देवनागरी देवनागरी जानता, हिंदी हम लोग बोलते हैं गलत बोलते हैं, हिंदी का नियमता भाषा क्या देवनागरी हम लोग यूज करते हैं, है ना। यहाँ से सपोर्टर लिए, यहाँ पर ये सेंचुरी लिए, तो सेंचुरी में तो ऐसा सैम्बुल आएगा। तो किसी टाइप की भी कैरेक्टर मैप हम ऐसा सैम्बुल लेना चाहते हैं, क्लिक किए सिलेक्ट सिलेक्ट किए, यहाँ पर कॉपी किए, कर्सर ले गए यहाँ पर पेस्ट कर, तो इस तरह से कैरेक्टर मैप का यूज करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम कुछ भी लिख रहा हो, कोई भी सैम्बुल लेना हो तो कहां से लेंगे हम कैरेक्टर। दूसरा बताए थे कि मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है ना, तो स्क्रीन पर कीबोर्ड कैसे खोलेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर और प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, इजी ऑफ एक्सेस जाएंगे, यहाँ देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कीबोर्ड खुलेगा। हमें इसे कोई मतलब नहीं है, अब लिखना चाहते हैं यहाँ पर, लिख रहा ना है, और दूसरा से लिखना जो यहाँ पर सब काम कर रहा है, तीसरे कीबोर्ड का यहाँ पर ले सकते हैं। फंक्शन की नहीं है तो यहाँ F10 दबाने तो क्या होगा, फंक्शन की जाएगा। तो कीबोर्ड ना भी हो तो हम यहाँ से कीबोर्ड को ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, दूसरा कंडीशन बताया था इसमें कि हमें इसके साउंड रिकॉर्डिंग करना है, तो साउंड को रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार्ट में जाएंगे और प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पर एसेसरी मिलेगा, एसेसरी में जाने के बाद देखो यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर शो कर रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग चालू होगा। अब पूछ रहा कि रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक किया हम जो भी बोल रहे हैं और जो भी कह रहे हैं सब रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके अंदर, अभी जो भी भाई तुमको बोल रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं सब क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमें रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना है, हमें क्या करना है रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है, तो उसके लिए स्टॉप रिकॉर्डिंग में क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जब मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं जैसे ही स्टॉप करते हैं ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो यहाँ मांग रहा कि सेव करना चाहते हैं, हाँ सेव करना चाहते हैं, क्या नाम से, तो नाम दे दिया हम कुछ भी नाम यहाँ पर, और कहाँ सेव करते हैं डेस्कटॉप पर सेव कर दिए, आगे रिकॉर्डिंग फाइल इसको सुनना चाहते हैं तो हम
सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना जो भी हम बात, इस सिस्टम कोई भी पार्ट को रिकॉर्डिंग करना हो आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कि इसमें करेंगे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन नहीं होता। माइक्रोफोन यहाँ पे देखोगे मोबाइल में कैसे नीचे माइक्रोफोन होता है, तो उसी यहाँ माइक्रोफोन होता है लैपटॉप के, डेस्कटॉप में नहीं होता। उसके लिए क्या होगा, जैसे मैक में देखा गाना वाना गवाता जो माइक्रोफोन आता है वो लगाने पर सीपीयू में लगाने पड़ता है, और इसमें लैपटॉप में क्या होता है ऑलरेडी होता है। जैसे मोबाइल में माइक्रोफोन खराब हो गया नीचे का साउंड, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हेडफोन का यूज करते हैं बात करने के लिए, क्योंकि आवाज तो कैसे जाएगा। तो उसके लिए आपको जब इसमें रिकॉर्डिंग करना हो तो उसको चाहे हेडफोन लगा के रिकॉर्ड करो चाहे माइक्रोफोन लगा, तो जब भी रिकॉर्डिंग करने के लिए हम इस तरह से कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकते। दूसरा बताया था यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेक करना, कि मेरा सिस्टम कितना जीबी रैम है, क्या है, नहीं है। जाएंगे एक्सेसरीज, सिस्टम टूल, सिस्टम इन्फो लिख रहा है इन्फॉर्मेशन, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन पूरा खुल के चले आया, कि सिस्टम कौन सा कंपनी का है, किसके नाम से है, क्या है, नोट पर लिखा है स्पीड है, आपको बता रहा कि कितना वर्जन का है आपका, देखिए बता रहा कि फिजिकल रैम कितना जीबी है, फिजिकल मेमोरी कितना जीबी रैम है, स्पेस कितना खाली है, कितना फुल है, सब बता रहा है आपको। तो आप पूरा कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आपकी कंप्यूटर किस कंपनी का, लिख रहा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग है ना, एचपी का फुल फॉर्म होता है, सिस्टम के बारे जानना चाहते हैं तो आप सिस्टम इन्फो जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा बताए थे डिस्क क्लीनअप, और डिस्क क्लीनअप क्या होता है, जैसे मानो कि रिसाइकल बिन हम जो भी फाइल को डिलीट किए तो सब मेरा कहाँ स्टोर, रिसाइकल बिन में है। जब भी आपका सिस्टम स्लो हो जाए या जब भी कोई स्लो काम कर रहा है तो उसको लिए पहले डिस्क क्लीनअप करने से पहले विंडो प्लस आर करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं हम परसेंटेज टी ई एम पी टेम परसेंटेज। अब बोले सर ये क्या है, एक कोड होता है जो कंप्यूटर का एरर फाइल को या मोबाइल में देखते हो फालतू फोल्डर बन जाता है, मोबाइल में देखा फालतू फोल्डर फाइल बन जाएगा ऑटोमेटिक क्योंकि नेट चलाने से। तो उस कंडीशन में जब सिस्टम में नेट ज़्यादा यूज कीजिएगा, देखिए जैसे ही खोलेंगे ना तो देखो फालतू फाइल आया, कोई काम का नहीं है, ये कोई भी काम का नहीं खुलता मोबाइल में, इस तरह से फोल्डर टुकड़े खोलते चल जाओ खुलते चल जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा।
आप देखो इसको क्लीन करोगे आप स्टार्ट में जाके और प्रोग्राम फिर से चेक करते हुआ कि नहीं हुआ है। एक्सेसरी में जाएंगे, सिस्टम टूल में जाएंगे और यहाँ पर डिस्क्रीन अप क्लिक करेंगे, चेक करते हैं हुआ कि नहीं हुआ। देखो अब 0 0 बाइट हो गया, सब क्लीन हो गया ना। जो मेरा क्या था ये साइकिल में 0 2 GB शो कर रहा था, क्या हो गया 0 बाइट, मैंने आपको भी फाइल अभी रन नहीं है ना। इस तरह से हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, क्लीन करें। और क्या बताना उसे बताओ, आपके पास इतना करो। एमएसपी नहीं बता दें,